सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अरबपति महाठग शिवा साहू को पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप में रायपुर के एक मॉल से गिरफ्तार किया है। सरसिवा पुलिस ने शिवा के साथ उसके साथी सूर्यकांत साहू, रमेश साहू, दिनेश साहू, लक्ष्मी नारायण साहू, जगे साहू, भागवत साहू और कृष्ण कुमार निराला को भी पकड़ा है। सभी आरोपी पिछले 3 महीने से फरार चल रहे थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 13 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। बुधवार को सारंगढ़ बिलाईगढ़ SP पुष्कर शर्मा ने सरसिवा थाने में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि प्रार्थी सौरभ अग्रवाल द्वारा 9 मार्च 2024 को सरसिवा थाने में शिवा साहू निवासी रायकोना एवं अन्य आरोपियों पर शेयर मार्केट एवं क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने पर प्रतिमाह 30,000 देने एवं 8 माह पूर्ण होने पर रकम 2 गुना करने का लालच देकर 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ये थाना सरसिवा का एक मामला है जिसमें करीब ये 9 मार्च का मामला है। उसमें एक आवेदन आया था हमारे पास कि शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के में पैसा लगाने के नाम पे और उसमें प्रतिमाह 30% रिटर्न और 8 महीने में रकम दुगुनी करने के नाम से ठगी हो रही है, जिसमें करीब 2 करोड़ की ठगी का आवेदन आया था। तो इसमें हमने मामला पंजीबद्ध किया था। इसके पश्चात हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया था। इसमें पूर्व में भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके भेजा गया है। इसके पश्चात एक और हमारे पास प्रार्थी आए थे जिन्होंने इसी तरह 26 लाख की ठगी का सेम शिकायत किया था। इसमें भी एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था विभिन्न धाराओं में, जैसे कि 420, 409 चिटफंड की, सॉरी PDI एक्ट जो छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम है, उसमें FIR दर्ज हुआ था। तो इसमें अभी जो मुख्य आरोपी था शिवा साहू और उसके साथ अन्य 7 लोग जो थे वो फरार थे। तो अभी हमने इनके जितने भी लोकेशंस थे उसमें हम लगातार दबिश दे रहे थे, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही थी। तो हमने रायपुर से और बिलासपुर से फाइनली हमने इन सबको अरेस्ट कर लिया है और आज कुल हम 8 आरोपियों को हम आज न्यायिक रिमांड और पुलिस रिमांड के लिए हम आवेदन देंगे। और इसमें अभी तक की स्थिति में टोटल हमारे पास 24 आवेदनकर्ताओं की करीब 4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आवेदन आया है और इसमें हमने अभी तक कुल 13 करोड़ की संपत्ति जो है वो सीज कर दी है और कुर्की के लिए कलेक्टर साहब के पास हमने एक आवेदन दिया है, जो कि PDI एक्ट जो छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टर्स की जो हितों का संरक्षण अधिनियम है उसके तहत जो वायलेशन होता है तो उसके तहत ही कुर्की की कार्रवाई की जाती है। तो हमने वो एप्लीकेशन दिया हुआ है सभी संपत्तियों का ब्यौरा निकाल के और उसको सीज करके, जिसमें कि करीब अकाउंट बैंक अकाउंट्स में करीब 6 करोड़ की राशि है, 6 करोड़ 40 लाख की, और जो ज़मीन के दस्तावेज हैं वो भी हमने एकत्रित किए हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान करीब 30 एकड़ ज़मीन के कागजात हैं जो कि मार्केट कीमत अभी